हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। हाँ जी, 52 कार्ड में से 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला गया। मुझे प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है दैट द कार्ड विल बी ए हार्ट कार्ड। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, मेरे पास टोटल प्लेइंग कार्ड कितने थे, मैंने साइड में लिख रखा 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। ठीक है, उसमें से हार्ट कार्ड, हार्ट जो पांच शेप के होते हैं, वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। ऐसे स्पेड हुक्म, वो भी 13 होते हैं। डायमंड जिसको ईंट बोलते हैं हिंदी में, वो भी 13 होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लब चिड़ी, ये भी 13 होते हैं। उसके बाद रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। एस यक्के को बोलते हैं, किंग, क्वीन, जैक, ये चार 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 होते हैं। और फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड निकाला भी, वो जो कार्ड है वो क्या हार्ट कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाँ जी, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कार्ड। ठीक है, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। अब इवेंट क्या है मेरा, इवेंट मतलब मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, हार्ट कार्ड और टोटल हार्ट कार्ड कितने होते हैं। यहाँ पे देखें अगर, वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, या तो इसको आप 13C1 लिखें या डायरेक्ट 13 लिखते, क्योंकि 13 में से एक कार्ड मुझे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। 1 कार्ड निकालना है तो डायरेक्ट 13 लिखते हैं, और 52 में से टोटल सैंपल स्पेस में टोटल कितने कार्ड है मेरे पास, 52 है, तो 52C1 भी 52, तो इसको सोल्व करेंगे 1/4। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/4, यानी कि 52 कार्ड में से एक कार्ड हर्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, इट विल बी, यहाँ पे आ जाए नॉट ए हार्ट कार्ड, यानी कि जो वो कार्ड निकालेंगे वो हार्ट का कार्ड नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हाँ जी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, अब ये मैंने क्या निकाला था, पिछला क्वेश्चन मैंने निकाला था भी हार्ट कार्ड, 52 कार्ड में से हार्ट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। और मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है भी, मुझे हार्ट कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी तो यही हो गया, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगी, अगर 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो 1 माइनस के 1/4, तो 4 माइनस, तो क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है इसका, अगर आप सोचें उसने क्या बोला है भी हार्ट कार्ड नहीं आना चाहिए, हार्ट कार्ड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए, कोई और कार्ड आना चाहिए। ठीक है, और हार्ट कार्ड कितने होते हैं, हार्ट कार्ड होते हैं 13 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 हार्ट कार्ड होते हैं, 52 में से अगर मैं 13 हार्ट कार्ड निकाल दूं तो टोटल कितने कार्ड रह गए, 39 रह गए, यानी कि 13 में से कोई नहीं आएगा, 39 में से आएगा, तो हाँ जी नोट हार्ट कार्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, उनमें से आएगा 39/52, ऐसे भी कर सकते हैं, 13 3 39 और 3/4। आप क्वेश्चन को चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया कार्ड विल बी ए ब्लैक कार्ड, वो कार्ड क्या होना चाहिए, एक कार्ड निकालेंगे जो ब्लैक कार्ड होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, हाँ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, इसमें देख लें ब्लैक कार्ड कितने हैं, इसमें ब्लैक कार्ड टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। कैसे, क्योंकि स्पेड के 13 ये और क्लब के 13 ये, 13 13 26 होते हैं, तो 26 1 26 हो जाएगा, और टोटल नीचे क्या, 52 है, तो 1/2। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रेड आ जाता तो टोटल रेड कितने होते हैं, 26/52, ये भी 1/2। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए मैं पूछूं वो कार्ड डायमंड कार्ड होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डायमंड कितना, 13 13/52। ठीक है, क्लब कार्ड 13/52, हाँ जी हार्ट कार्ड 13/52, स्पेड कार्ड 13/52। मैं आपसे पूछूं अगर वो एक कार्ड होना चाहिए, वो एस होना चाहिए, एस का मतलब यक्का होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऐसे लिख लेते हैं, हाँ जी एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52, 1/13। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जो एक कार्ड निकाल रहा है, 52 में से एक कार्ड निकलेगा, वो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किंग कितने होते हैं, 4 4/52, 1/13। क्वीन 4/52, जैक 4/52। अगर मैं आपसे पूछूं वो एक फेस कार्ड होना चाहिए, फेस कार्ड क्या होते हैं,
अगर मैं आपसे पूछूं एक फेस कार्ड होने चाहिए, फेस कार्ड क्या होते हैं, जैसे किंग, क्वीन और जैक, वो फेस कार्ड होते हैं। हाँ जी, तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं, 12 और बट्टे में 52। इसको सोल्व कर लीजिए, वो क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपसे कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे अब मैंने 1 कार्ड रख किया था, मान लीजिए यहाँ पे 2 कार्ड आ जाए, 2 कार्ड्स। अब जैसे 1 कार्ड रख किया था तो 2 कार्ड आ जाए, ठीक है, सारा क्वेश्चन सेम है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स ही आ जाए, ब्लैक कार्ड्स। क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, पहले मैं 1 कार्ड ड्रा कर रहा था, अब मैं कितने कार्ड ड्रा कर रहा हूँ, 2 कार्ड ड्रा कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कैसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन कहता था जब मैंने 2 बॉल निकाल ली थी, ठीक है, अब 52 कार्ड में से मुझे 2 कार्ड निकालने हैं। हाँ जी, वो कौन से होने चाहिए, ब्लैक कार्ड्स होने चाहिए। टोटल ब्लैक कार्ड देखो कितने हैं, टोटल ब्लैक कार्ड कितने, 26। 26 में से 2 आएंगे तो 26C2, क्योंकि 26 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं। और जहाँ पे भी सिलेक्शन की बात आ जाती है, मैं कम्बिनेशन का यूज़ करता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हाँ जी, और ये तो है जो मेरे फेवर में है, यानी कि जो मुझे निकालने इवेंट के एलिमेंट हैं। और सैम्पल स्पेस में कितने हैं, टोटल 52 है, उसमें से 2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे वो मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 24 फैक्टोरियल। इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, 50 फैक्टोरियल और बटे में 52 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये कट गया, 26 गुणा में 24 फैक्टोरियल बटे में 24 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 50 फैक्टोरियल बटे 52 गुणा 51 गुणा में 50। इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, 26 गुणा 52, ठीक है। और जो मेरे पास बच गया वो क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, 25 एकम 25, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया, मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं उस कार्ड में से 52 कार्ड में 2 कार्ड निकाल लूँ ब्लैक कार्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/102, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक कार्ड की जगह पे रेड कार्ड आ जाते तो भी क्या करते, रेड कार्ड भी 26 है, 26C2/52C2। जैसे और मैं पूछूँ आपसे हार्ट कार्ड्स, वो दोनों क्या होने चाहिए थे, हार्ट कार्ड्स होने चाहिए थे। तो यहाँ क्या करते, बस हार्ट कार्ड देखो कितने हैं, 13C2 और बटे में सारा क्वेश्चन क्या रहता, सेम रहता, 13C2/52C2। इसको सोल्व कर लेते हैं, और ये कम्बिनेशन किस तरह से सोल्व किया जाता है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं स्पेड, वो दोनों कार्ड स्पेड के होने चाहिए, तो सेम 13C2/52C2, ठीक है। क्लब के होने चाहिए 13C2/52C2, क्योंकि नीचे तो सैंपल स्पेस है, नीचे तो टोटल आता है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट आते हैं, और वो टोटल तो 52 में से ही जा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हार्ट कार्ड निकालने हैं, हार्ट देखो कितने, 13, दो कार्ड हार्ट के दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 13C2/52C2। जैसे मैं आपसे पूछूं वो दो कार्ड फेस कार्ड होने चाहिए, तो फेस कार्ड टोटल 12 में से 2 सेलेक्ट करने, 12C2 और नीचे तो टोटल है 52C2। इसको सोल्व कर लीजिए, वो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं वो दो कार्ड किंग होने चाहिए, वो दो कार्ड क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। हाँ जी, किंग कितने, 4 में से 4C2/52C2 ये आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं दो कार्ड निकालने हैं ना, एक कार्ड तो किंग होना चाहिए और एक कार्ड क्वीन होना चाहिए, इसको कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। किंग क्वीन, सुविधा के लिए मैं किंग क्वीन लिख लेता हूँ, दो कार्ड, एक किंग एक क्वीन। हाँ जी, किंग कितने हैं, किंग है मेरे पास 4, एक किंग होना चाहिए, 4 में से एक किंग आएगा और एक क्वीन होनी चाहिए, 4 भी क्वीन भी टोटल कितनी है, 4 है। और नीचे तो दो कार्ड निकलेंगे 52 में से, हाँ जी दो कार्ड निकाल लें मैंने, एक यहाँ 2 और नीचे टोटल 2। इसको सोल्व कर लीजिए, वो आपके क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। 20 कार्ड आर नंबर 1 to 20, 20 कार्ड है, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर 1 से लेकर 20 तक नंबर लिख रखे हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मुझे फाइंड आउट करना है भी जो कार्ड निकाला है उसके नंबर क्या होगा, उसके ऊपर नंबर होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, तो पहले क्या है, मैं इवेंट देखूंगा, इवेंट क्या है मेरा, मल्टीपल ऑफ 4। हाँ जी, मल्टीपल ऑफ 4, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 से लेकर 20 तक मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से होते हैं, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, यही होता है, ठीक है दोस्तों। और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो टोटल क्या है, 20। बस आप सीधा क्वेश्चन कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने आपको बता दिया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट ए के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5,
तो 5/20 1/4, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ जाए वो जो कार्ड है वो क्या होगा, 12 से बड़ा होगा, तो कैसे करेंगे। हाँ जी, 1 से लेके 20 तक 12 से बड़े कितने नंबर होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 8 नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए नाम ले लेते हैं, उसके उसमें कितने एलिमेंट आ गए, 8 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 8/20, 4 × 8 और 4 × 5 = 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/5, यानी कि 12 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5 होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, इट विल बी ओड नंबर, ओड नंबर, हाँ जी 1 से लेके 20 तक कितने ओड नंबर होते हैं, अगर आप काउंट करें 1 से लेके 20 तक 10 ओड नंबर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर क्या हो जाएगी, 10/20, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, द नंबर ऑफ कार्ड विल बी मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होगा, 1 से लेके 20 तक 5 के कितने मल्टीपल होते हैं, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, हाँ जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसको इवेंट ए मान लेते हैं, 4 और टोटल कितने 20, तो 1/5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।